अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार, मैं हूं तुम्हारी मेज़बान सबीन मेमर। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में गाल कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल, खास करे इस्लामाबाद जी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज रहे तो पीटीआई ते पाबंदी जे हवाले सां जेका वफाकी हुकूमत पारां गाल कई वई हुई, जेका तातारण पारां गाल कई वई हुई, त पीटीआई पाकिस्तान गॾु नथा हली सघनि ऐं मुमकिन आहे त न रुगो पीटीआई ते पाबंदी लगाए सकजे थी पर आर्टिकल 6 जे हवाले सां उन्हनि जो चवण हो त कार्रवाई भी टिनि ॼणनि अॻवाणनि जे ख़िलाफ़ करे सघे थी। इन हवाले सां उन्हनि जो इहो बि चवण हो त इहा जेका इहो फ़ैसिलो आहे इतिहादनि सां हुकूमत जा जेके सियासी इतिहादी आहिनि उन्हनि सां मुशावरत खां पोइ कयो वियो आहे। फौरी तौर पीपल्स पार्टी जो इन ते रदि अमल त न आयो, पर पीपल्स पार्टी जो जेको रदि अमल हाणे साम्हूं आयो आहे, पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त इन हवाले सां उन्हनि सां कंहिं बि क़िस्म जी का मुशावरत नाहे कई वई। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जॾहिं त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो चवणु आहे त तहरीक इंसाफ ते पाबंदी जो फ़ैसिलो फ़िलहाल ताईं नाहे कयो वियो, पार्लियामेंट में इतिहादनि सां मुशावरत कई वेंदी। इन हवाले सां राणा सनाला जो चवणु आहे त आइनी तरीक़े सां इन मामले ते अमल कयो वेंदो, फ़िलहाल रुगो इरादो ज़ाहिरु कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं मखसूस सीटनि जे हवाले सां, सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो छा इन ते अमल थी सघंदो या इन ते अमल न थींदो, इन ते अमल थियण जी सूरत में हुकूमत जी पोज़ीशन छा हूंदी, छा मखसूस सीटनि जे फ़ैसिले खां पोइ हुकूमत पाण मैदान में लहण जो फ़ैसिलो कयो आहे पी टी आई जे ख़िलाफ़। इन्हनि समूरी सियासी ऐं अदालती मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार शाकिर सोलंगी जॉइन कयो आहे। भलीकार शाकिर, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। शाकिर, खोड़ सारा मामला आहिनि, असां ॾिठोसीं त ॿ ॾींहं अॻु में जेके सरगर्मियूं थियूं, हुकूमत जेके फ़ैसिला कया, उन खां पोइ लॻे थो त उन्हनि ते तेज़ी सां हुकूमत अमल कंदे नज़र ईंदी। असांखे छा सूरत हाल आहे, कीअं था ॾिसो, छा वाकई हुकूमत पारां इहो फ़ैसिलो, न रुगो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इहो फ़ैसिलो कयो आहे त पी टी आई सां कंहिं बि क़िस्म जी का रियायत हाणे न थींदी? हा बिल्कुलु, हुकूमत ऐलान करे चुकी आहे, वज़ीर इतलाफ़ जेको आहे अता तारड पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहे टे ऐलान करे चुको आहे त आर्टिकल 6 बि लॻायो वेंदो बानी चेयरमैन पी टी आई ऐं आरिफ अलवी ऐं कासिम सूरी जे ख़िलाफ़, ऐं हिन खां अलावा पी टी आई ते पाबंदी लॻाई वेंदी ऐं सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस मोकिलियो वेंदो। पर पाबंदी नज़र जेको अचे पियो त शायदि मुश्किल हुकूमत जे लाइ हूंदी, छाकाणि त सुप्रीम कोर्ट में हिन महिल जज तक़सीम थी चुका आहिनि, 5 जज जेके आहिनि उहे पी टी आई जे ख़िलाफ़ बीठा आहिनि ऐं 8 जज पी टी आई जे हक़ बीठा आहिनि। 13 जजनि मां इहे जेको मखसूस निशस्तनि वारो जेको फ़ैसिलो आयो त उन मां इन्हीअ महसूस थिए पियो त पी टी आई खे सुप्रीम कोर्ट मां शायदि फेवर मिली वञे, पर चीफ जस्टिस बि परेशान आहे ऐं चीफ जस्टिस पंहिंजो जेको जस्टिस मंसूर अली शाह पहिरियों छाकाणि त चीफ जस्टिस सां बीठल हुयो ऐं हाणे हू पी टी आई जे हामी जजनि जे कैंप में हले वियो आहे, त उन खां पोइ चीफ जस्टिस इहो फ़ैसिलो कयो आहे त 4 एडहाक जज सुप्रीम कोर्ट में लॻाया वेंदा ऐं जेके रिटायर्ड जज आहिनि उन्हनि मां चयनि खे जेको आहे उहो राबता बि कया विया ऐं ॿिनि हामी भरी आहे, ॿिनि इनकार कयो आहे, जस्टिस मकबूल बाकिर बि उन्हनि में शामिलु आहे जंहिं इनकार कयो आहे, ऐं हाणे सूरताल ज़ाहिर आहे 4 जज जेकॾहिं लॻी था वञनि सुप्रीम कोर्ट में एडहाक ते त उन्हनि जो फंक्शन बि मुकमल, जीअं सुप्रीम कोर्ट जा जज हूंदा आहिनि उन्हनि जो मुकमल उहो ई अख़्तियार हूंदो आहे, उहो ई बेंचुनि में शामिलु हूंदो आहे, उहो ई उन्हनि जी काउंटिंग उन्हनि जा फ़ैसिला जेके आहिनि मैटर कंदा आहिनि, ऐं 4 जज जेकॾहिं अची था वञनि त वरी चीफ जस्टिस जेको आहे उहो उनजो हम ख़्याल जेके आहिनि जेके आइन कानून जे अमलदारी ते यकीन रखनि था जज, उन्हनि जी तादाद जेको आहे हुन पी टी आई जे हामी जजनि जे बनिस्बत उहा वधी वेंदी, त सुप्रीम कोर्ट मां शायदि हुकूमत खे को घणो रिलीफ न मिले, या जेकॾहिं 4 जज अची था वञनि त उन खां पोइ का सूरताल तब्दील बि थी सघे थी, पर फ़िलहालु हुकूमत लॻे ई थो त ॼण जल्दबाज़ी कई आहे। हाणे हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त इतिहादनि खे एतमाद वरितो वेंदो ऐं वज़ीर आज़म इतिहादी जमातुनि जो पार्लिमानी पार्टियुनि जो गॾियल जेको आहे इजलास बि घुरायो आहे, पर इहो कमु अॻ में करणु खपंदो हुयो। मुंहिंजी ख़ुर्शी शाह सां बि ॻाल्हि थी, ख़ुर्शी शाह छाकाणि त पीपल्स पार्टीअ जी जेका नून लीग सां ॻाल्हाइण वारी कमेटी आहे, मुज़ाकराती कमेटी, उनजो अहम रुकन आहे, ऐं मुंहिंजी शेरी रहमान सां बि ॻाल्हि थी, शेरी रहमान बि अहम रुकन आहे, ऐं ॿिन्ही इहा ॻाल्हि कई त असांखे, असां मुज़ाकराती कमेटीअ जा मेंबर आहियूं पर असांखे एतमाद में कोन वरितो वियो आहे, असांखे इल्म में नाहे, ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी छाकाणि त अमेरिका में आहे ऐं उनखे बि एतमाद में न वरितो वियो आहे।
हा थी सके तो सदर ममलिकत से आस वरी जरदारी से शायद को जिक्र कयो हो जाए, पर नून पर ये इम्कान कभी मौजूद आहिन जिके जरिया बुझाइन था तो पीपल्स पार्टी भी हिमायत कंदी नून लीग से पीटीआई से पाबंदी की हाँ कामयाबी केतरी थी थे जैसे नाकाम थी थे नून लीग पा खराब थी माजी में ये तजुर्बा चुका है तो माजी में सियासी जमात पे पाबंदी जो लगाई हुई हैं तो वो भी फायदेमंद सूदमंद फैसला अच्छा, शाकिर शाकिर ये बुधा तो अना मुशावरत जो प्रोसेस मुकम्मल न थो या शुरू न थो एडे कॉन्फिडेंस से वफाकी वजीर इतलात अता तारड़ी गाल किए करे रहे हो तो सभी जे हुकूमत जहाँ सियासी इतिहादियान उन्होंने सलाह मशवरों है गडियल तौर से यो फैसलो किया हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट हुई उनकमत अमली है उन पीपुल्स पार्टी भी राजी होंगी छो तो पीपुल्स पार्टी जहाँ लाइन वे थी सियासी हवाले से तो पीपुल्स पार्टी तो कें भी सियासी पार्टी के हवाले से पाबंदी के हवाले से साथ शायद न दी पीपल्स पार्टी शायद साथ दी पर फिलहाल पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ नजर अचन पा रजा रब्बानी बयान जारी कर चुको है पा जैसी मुखालफत रजा रब्बानी कई है तो कें भी सियासी जमात से पाबंदी न लगन घुर्जे हुकूमत के अड़े अमल का अड़े कदम का गुरेज करण घुर्जे यो रजा रब्बानी तहरीरी तौर से बयान जारी कर चुको है वरी जो है वजीर आला सिंध भी यह गाल कर चुको है इन किस्म जो शन पे नैयर बुखारी चे तो यो इन जाति मौकुफ है शर्जील मेमण ट्वीट कर चुको है उनके वरी वजीर इतलात जो है अता तारड़ शर्जील मेमण ट्वीट जो है वो पा सर्कुलेट किया है साफ इनमें तो इन किस्म जहा इख्तलाफ भी नजर अचन पा पीपल्स पार्टी में जो खुर्शीद शाह या जो सीनियर मानू आन शायद उ भी पाबंदी जहा हामी ना पर हाँ जाहिर है पीपल्स पार्टी जैसे अक्सरियती फैसलो अचे तो कलेक्टिव डिसीजन थे तो पीपल्स पार्टी में जैसे सीसी घुराई थी वे उनमें तो सके तो पीपल्स पार्टी हिमायत भी करे पर इख्तलाफ मौजूद आन इन अंदर भी हुकूमत एतमाद में इनके न वरतो है हाँ एतमाद में हुकूमत इनके वी तो नून लीग मुख्य ही लगे तो जल्दबाजी कई है ओवर कॉन्फिडेंस भी है इलेक्शन वारन डीन में भी डिठो तो इलेक्शन वारन डीन में भी नून लीग ओवर कॉन्फिडेंस थी वेठी रही इलेक्शन कंपेन जी बिलावल हलाई या बी जमातू हलान पी तो इन किस्म की का कंपेन भी का खास को हलई नून लीग बटे जलसा क्या बस उनमें भी नून लीग मार खाई वही हाँ भी नून लीग लगे इंजी तो जल्दबाजी कई है पैरियां एतमाद वन घुर्जे हाँ पार्लियामेंट में तकरीरू थियन घुर्जन डिस्कशन थियन घुर्जे हाँ डिबेट थियन घुर्जे हाँ या का पार्लियामेंट में का करारदाद मंजूर थियन घुर्जे हाँ तो अना का भी शे सूरत हाल थी सके पी पर हाँ ही जन नून लीग जो फिलहाल फैसलो है नून लीग से बू इतिहादी जमातू आन उ राजी थियन थी या न जी अच्छा शाकिर एएनपी भी इनकी मुखालफत कर चुकी है मौलाना फजलुर रहमान वो इन फैसले की हिमायत कर सकंदो ओवरऑल केडो चैलेंजेबल आ तुम समझो था तो जाहिर जल्दबाजी कई वही नून लीग पारा खुद नून लीग के केतरी दुखियाई थी हिमायत हासिल करण के ला नून लीग की साख सियासी हवाले से इन फैसले से केतरी मुतासिर थी सके थी छो तो जमहूरी हुकूमत में यो आसान कोने यो आसान फैसलो कोने तो कें पार्टी ते पाबंदी लगाए सकजे बिल्कुल नून लीग लगे तो जैसे नाकाम थी इनमें फैसले में या पाबंदी हटाने में ऐलान कर चुकी है तो नून लीग पा खराब थी बो ही कम हाँ जो नून लीग करे पी इो कम 9 मई का फौरन जैसे थे आ तो वो अना पॉसिबल हो उन डीन में पर उन डीन में सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू वा जज वेठा हुआ तो जाहिर है वो गुड टू सी यू वा तो को पाबंदी लगा दियन उन मल भी पर पाबंदी जो जवाब उन मल मौजूद हो हाँ शाकिर माफ कजो चो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन तो हाँ भी असूँ पा न डिवीजन हाँ भी आहे पर उन मल अन्या क्लियर तां दिठो पाण बंदियाल साहब जो दौर हो बिया भी जेके जज हुआ जेके रिजाइन करे हल्या व्या उहे भी वेठा हुआ मुनीब अख्तर वेठो अतरमिन अल्ला वेठो हाँ ये सब जेके आहिन उहे ज़ाहिर आहे पीटीआई जा हामी जज समझा वेंदा आहिन हाँ भी मौजूद आहिन पर हाँ उन्हें जी समझो जेका अक्सरियत हाँ नजर आई है जेका इन फैसले में आई है मखसूस निशस्तन बारे में पर मखसूस निशस्तन का अग में जो है वो काजी जी जा फैसला हलन पाया काजी जा जेके हमख्याल जज आइन के अमल दरामद जा हामी आन उन्हें जा फैसला नजर अचन पाया
पर हाँ जैसे डिविजन थी है तो उन्हें इन कड़े ही एडाक जजन जो जज लगाने जो फैसलो किया वो है। तो बहरहाल नून लीग के लिए वो चैलेंज है पीटीआई से पाबंदी लगाण सुप्रीम कोर्ट में वरी रेफरेंस मोकिल वो रेफरेंस मोकिल सदर ममलिकत जाहिर वजीर आजम रेफरेंस सदर ममलिकत के मोकिल सदर ममलिकत के जरिए जो है यो रेफरेंस वो है तो सदर कें तो उनके ट्रीट कर रेफरेंस के मोकिले तो नो मोकिले सुप्रीम कोर्ट कें ट्रीट कर रेफरेंस के पर नून लीग बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है उन जरिए पाबंदी लगाने जे, जो जो कोशिश करे पी जी। शाकिर चई सकजे तो इन वक्त हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के हवाले से पेज से जड़े तो सुप्रीम कोर्ट में अना भी तमाम घना मामला हुकूमत के लिए दुख्या सो सच्ची गाल बुदायाव असल मुझा सोर्सेस तो यो बुदायन तो नून लीग भी पाबंदी के हक में को नून लीग के भी मजबूर किया वो है पाबंदी लगाने के लिए धरणू फैदाबाद में कई दिन का मौजूद है खादिम रिजवी साहब के फर्जंद जो समझी सको था तो नून लीग रेजारे और तैयार किया वो है। पीपल्स पार्टी भी इन हक में को रही पर पीपल्स पार्टी फिलहाल तो खामोश है पीपल्स पार्टी चे थी असें एतमाद भी न वरतो वो है हाँ ऐसू फिलहाल तो ऑन बोर्ड आन एस्टेब्लिशमेंट भी नून लीग भी इन मल ऑन बोर्ड थी वह हाँ खादिम रिजवी साहब के इन पुट के धरने के जरिए थे या इन मुजाकरात के जरिए थे बहरहाल नून लीग एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड आन। शाकिर कुछ अग में वजीर आजम प्रेशर की भी गाल कई इस्तीफा न देने की भी गाल कई समझो था वजीर आजम के मथा इन वक्त जो प्रेशर की गाल कई बिन्हीं साइड्स का वो प्रेशर है। हाँ बिल्कुल वजीर आजम वे इम्तिहान में मतलब गुजरी रो है एस्टेब्लिशमेंट जो प्रेशर है पार्टी जो मसलो भी है बन सियासी जमातों जो मसलो भी है वरी सुप्रीम कोर्ट दा ही सुप्रीम कोर्ट दा जो फैसलो थो है यो भी हुकूमत के पैं कोताहन के करे थो है हुकूमत अड़ा कदम कया जो जस्टिस मंसूर अली शाह के पंजे खिलाफ कर छो हुकूमत मंसूर अली शाह के लिए यो बुधा पो वे तो मंसूर अली शाह के जा रूल्स ना तो उ रूल्स तैयार कर मंसूर अली शाह छह अठ महीना उन्हें मेहनत कई रिटायर्ड जजन के बार एसोसिएशन के नामवर वकील घुराए उन मीटिंग कर इनपुट वी उन रूल्स ठाया रूल्स मंजूर थना हुआ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में ही तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो जैसे इजलास घुराए वो रूल्स मंजूर कराने लाए तो जुडिशल कमीशन में वजीर कानून जो है वो भी मेंबर हों तो वजीर कानून आजम नजीर तारण मंसूर अली शाह के चो सर तुम छो इन के रूल्स के असा पाजी कानून साजी कंदासी उन्हें का पो मंसूर अली शाह जो है उनके कैंप में वो है मंसूर अली शाह इनका टू थर्ड मेजॉरिटी भी खसे छी तो जैसे कानून साजी करनी तो मारी मेहनत पानी पेरे तक कानून साजी कर दिखारे हाँ कानून साजी तो ये हुकूमत पेर से पा कुहाड़ो है पी हुकूमत गलत से यो सो जो माहौल इन मल बनाय है इनमें हुकूमत जो पंजू कोतायूं जे बुधाई वन पे शाकिर सबूत काफी जाहिर अमरीकी कांग्रेस में ठहरा पास थे साइफर वाला मामला बी हुकूमत के अता तारण वफाकी वजीर उन गाल कई तो उन्होंने काफी सबूत आन हुकूमत पूरी तैयारी से हाँ इन महाज से लहंदी इन मैदान से लहंदी सबूत एतरा काफी जो हुकूमत चाह कर पेश पाबंदी के हवाले से ये पूरा थी वा मुझो ख्याल है वाकई सबूत तमाम घना काफी पाबंदी जो जवाब मौजूद है पीटीआई से पर लेट कई है पीटीआई छो आईएमएफ के खत लिखण तो पाकिस्तान के दिवाल थो पाकिस्तान के डील न कर पैसा न दियो या वरी जे साइफर केस है या वरी जो अमेरिका में करारदादू अचन पयूं आलमी जे एजेंडे जा जे इल्जाम फॉरेन फंडिंग जो मामलो है तो इन किस्म जो या नव मई है तो ये नव मई जहा हमला ही काफी पाबंदी के लिए जवाब तो मौजूद है लेकिन हुकूमत देर कई है ये नव मई के फौरन बात या वरी फॉरेन फंडिंग केस जो हो साबित थियण का फौरन जैसे पाबंदी लगाया हुकूमत तो उन वक्त वो टाइम हो हुकूमत टाइम जया हाँ
भी हुकूमत कोशिश करे पी तो पीटीआई से पाबंदी लगाई वही दिसूं उनमें कामयाब थे थी या नी थे दादी साथ दियन था ना दियन सुप्रीम कोर्ट साथ दिए थी नी रे पर फिलहाल हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट जो है ऑन बोर्ड आए तो पीटीआई से पाबंदी लगा जी। अच्छा शाकिर इन समूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ जो रोल किथे था दिसो पया दिसो असा जरिया यो बुझाइन पा तो नवाज शरीफ भी हामी ना है इन पाबंदी के हवाले से पर नवाज शरीफ के भी जाहिर ऑन बोर्ड तो वरतो वो है दिल्ली तौर से राजी उन भी तो वे तो वो ना तो पीटीआई से पाबंदी लगन घुर्जे अज पीटीआई से पाबंदी लगाने की कोशिश कई पी वे पीटीआई से पाबंदी न लगी सी तो सुभाणे जेकरे पीटीआई इक्तदार में अचे थी तो सुभाणे नून लीग से पीटीआई कड़ो असर कंदी पीटीआई भी इो ही कम करे तो ये इन किस्म जो जो सिलसिलो जो सियासी जमातों के विच में हले पो इंतकामी कार्रवाइयों या एक बे की पार्टी से पाबंदी लगाएं पर पीटीआई जो केस अलग है नून लीग से इन किस्म जा केस इल्जाम को नून लीग से फॉरन फंडिंग जो इल्जाम को नून लीग के बाहरी अमेरिका बाहरी दुनिया की सपोर्ट को नून लीग नव मई जहा वाकया को नून लीग साइफर को इन किस्म जहा जे कम कया उ हमला कया इदार पे तो उ पीटीआई कया इन कर नून लीग की जो केस अलग हों यकीनी तौर से पीटीआई के जवाब को हों नून लीग से पाबंदी जो पर इंतकामी कार्रवाई यकीनन पीटीआई करे सके थी नून लीग से इन करे नून लीग भी हजार दफा यो ऐलान करण का पेरियो सोचो होंदो मुशावरत कई होंदी पर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मां कहीं दबाव में नहीं दूस मां इस्तीफा दे छदी दूस तो उनमो का अंदाजो करे सको ता शायद प्राइम मिनिस्टर भी राजी न होजे पर उनके राजी कयो वयो आए। अच्छा शाकिर यो बुधायो त इन समूरी सूरत हाल में पीटीआई किथे थी स्टैंड करे तोणे जो पीटीआई बिल्कुल तमाम घो कॉन्फिडेंट नजर अचे थी तो अस भरपूर कानूनी वेड़ विढ़ासी पर उन बावजूद पीटीआई ते इन तरह जो हुकूमत के फैसलों जो प्रेशर पवंदे तक नजर अचे तो ॾिसो पीटीआई वटि कानूनी वेड़ विढ़ण जो लक्षण आहे कोन जेको असां बेट जे इंतखाबी निशान वारो केस जेको पाण ॾिठोसीं लाइव हलंदो रहियो ऐं पीटीआई जे वकीलनि वटि को मवाद कोन हुयो मखसूस निशस्तुनि जो केस जेको आहे उहो पीटीआई सुनी इताद काउंसिल जे प्लेटफॉर्म तां विढ़ंदी रही उन में ना आयलियूं पीटीआई जे वकीलनि जूं पीटीआई जूं सुनी इताद काउंसिल जूं उन में ना आयलियूं असांखे वॾा झोल नज़र आया पर हेॾऊं जजनि फेवर कई जंहिंजे करे उन्हनि खे मखसूस निशस्तूं ॾिनियूं वयूं आहिनि पीटीआई न केस विढ़ी पीटीआई न दरख़्वास्त न पिटीशन पीटीआई जी हुई ऐं सुनी इताद काउंसिल जी पिटीशन वकील सुनी इताद काउंसिल जा केस सुनी इताद काउंसिल जो ऐं उन्हनि खे बिन मांगे जेको आहे बिना घुरे जेको आहे उन्हनि खे रिलीफ ॾिनो वियो आहे त उहो पीटीआई अदालतुनि जे रिलीफ ते हली रही आहे पीटीआई वटि पाण वटि मवाद कोन्हे वखर कोन्हे जंहिंजे बुनियाद ते हू केस विढ़नि या केस खटनि पर पीटीआई वटि कुझु बि न हुजण जे बावजूद को बि दलील को बि जवाज़ न हुजण जे बावजूद जेको आहे उन्हनि खे मुसलसल रिलीफ मिली रहियो आहे हाणे ताज़ो तव्हां ॾिठो इद्दत केस हाणे इद्दत केस माना इद्दत में निकाह करणु अदालत जाइज़ करार ॾेई छॾियो इन जो मतिलबु इहो थियो न त बाबा इद्दत में निकाह जाइज़ आहे इस्लाम मना थो करे ऐं सॼी दुनिया खे ख़बर आई आहे पर अदालत असांजी चए थी बाबा इद्दत में निकाह करे सघिजो इनमें हुकूमत बि त कमज़ोर पिच ते खेॾी आहे न एविडेंस या केस खे उन तरह कानूनी हवाले सां छा हुकूमत डील करे सघी ॾिसो हुकूमत कानूनी हवाले सां डील मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत त इलाही केस पर हाणे हुकूमत जा केस वकीलनि खे ॿुधो किथे वियो आहे हिते हिन केस में हुकूमत खे कहिड़ो ॿुधो वियो हिते पीटीआई खे फेवर ॾिनी वई मखसूस निशस्तुनि वारे केस में बंदियाल साहिब जे दौर में असां ॾिसंदासीं त हिकिड़ी समात कंदो हो बंदियाल ऐं हिकिड़ी समात में उन में बि हुकूमत जे खे न नोटिस जारी कयो वेंदो न हुकूमत जे वकील खे न अटारनी जनरल खे ॿुधो वेंदो अटारनी जनरल डिप्टी अटारनी जनरल चओ था असांखे त ॿुधो ऐं हिकिड़ी समात में हू केस हिकिड़े पासे जो हिकिड़ी धुर जे वकीलनि जो पीटीआई जो जे वकीलनि खे ॿुधी ऐं फ़ैसिलो ॾिनो वेंदो त इन क़िस्म जा जॾहिं रिलीफ मिलंदा पीटीआई खे त पोइ ज़ाहिर आहे हुकूमत छा थी करे सघे जजनि जा ॾो जी। अच्छा सोशल मीडिया वारो पासो भी पीटीआई तमाम घणी कामयाबी से हलाए थी इंटरनेशनल प्रेशर भी तमाम घणो हुकूमत के मथा पए तो
अब बिल्कुल सोशल मीडिया जो भी इंतजाम जो है वो थियण घुर्ज। सोशल मीडिया से पीटीआई सभी का कंपेन हलए पी असा इदारा जो काउंटर प्लान उन्हें वट नजर को अचे इदार वट एडियो एडा सोर्सिस उनके बावजूद जो है पीटीआई बाहर जो इन पीटीआई जहा एक्टिविस्ट वेठा जो सोशल मीडिया जहा घनी कंपेन हलन पाया। ट्विटर से पाबंदी भी जाहिर लगाई वही है पर उनके बावजूद जो है वो बया रस्ता खोड़ा हजार रस्ता ट्विटर के यूज कर ट्विटर हले पो हाँ यो भी पे तो फायर वॉल लगने की कोशिश कई वी जी पीटीआई की जो मुहिम है इदार के खिलाफ उनके रोके सके। शाकिर आखिरी सवाल ओवरऑल तुम तर्जी इस्लामाबाद में वेठा है इस्लामाबाद की सूरत हाल सरगर्मी से तुम पाया इंदड़ कुछ डी में ये मामला कड़े तरफ वन पाया जाहिर मुख्तलिफ महाज खुलियल एस्टेब्लिशमेंट पो महाज खोले वेठी आ पीटीआई अदालत में वन रिलीफ के लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नजर अचे थी हुकूमत के केतरा ही चैलेंजेस असा के नजर अचन था अदालती बहरान असा के नजर अचे तो ओवरऑल इंदड़ कुछ डी में ऐसो पाया ओवरऑल सूरत हाल सुठी को सियासी सूरत हाल इदार विच में जो है महाज आ रही डीन में वे नजर पी अचे घटजंदी नजर को अचे चार जज जैदा सुप्रीम कोर्ट में तो वरी फैसला रिवर्स थी सकन था ही फैसलो रिवर्स थी सके तो अज भी चीफ जस्टिस की सरबराई में जो मीटिंग जा इतला आन तो सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग की है जजन की मुशावरतू अना भी हलन पूं इलेक्शन कमीशन में अज जो इलेक्शन कमीशन जो इजलास घुरा वो है उनमें यो मुशावरत कई वही है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमल दरामद कज न कजे कि कजे कजे हाँ तो जाहिर फैसलो ही अड़ो दिनों वो है जैसे सब हैरान मंसूर अली शाह के कड़ो फैसलो दिनों है यो फैसलो पीटीआई जहा हामी जे यूट्यूबर्स व्लागर्स बी पैर यो फैसलो बुधा चुका है किस्म जो फैसलो अचे तो इनको मतलब यो माना पीटीआई के मर्जी मुताबिक और पीटीआई को ऑन बोर्ड वी यो फैसलो दिनो वो है लगे ही तो इदार के विच में जो महाजार आई है या इंदड़ दिन में अदे नजर अचे पी जी। शाकिर जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमल नो थे तो जाहिर तो अदालत न ऐसो अमल दरामद कराण हुकूमत इदार कम हों सुप्रीम कोर्ट अग में भी फैसला दी रही है रो है बंदयाल साहब के दौर में फैसला इंदा सुप्रीम कोर्ट पार्लिमेंट में करारदाद मंजूर थी तो बाबा इन अमल दरामद नो इन किस्म जहा भी असा फैसला दिठा सुप्रीम कोर्ट जहा तो मुझे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पाँ कम कही रही सुप्रीम कोर्ट जहा जे मजिज जज हैं उा फैसला दींदा रहा बाकी अमल दरामद कराण न कराण यो तो हुकूमत के इंतजामिया के जो वस की गाल हूँ है जजन वट जाहिर अमल दरामद कराण जो बो रस्त को भी कोने सवाए इन तो इन अदालत के जरिए कें फारिग कर सकन जी। वड़ी मेहरबानी शाकिर सोलंगी सीनियर साफी तर्ज निगार ब्यूरो चीफ सिन टीवी न्यूज इस्लामाबाद में असा के मौजूदा जका सियासी सूरत हाल है उन हवाले से अपडेट कर रो हो अदालती हवाले से हुकूमत के फैसलों के हवाले से अपोजिशन इन वक्त पीटीआई करने जो सोचे रही है समूरी सियासी सूरत हाल इंदड़ कुछ डी में इन तई अहम डेवलपमेंट पिण थी सके थी इन हवाले से आगाह कर रो हो इन ही अजोके प्रोग्राम के वक्त पुजाणी पहुंतो इंदड़ प्रोग्राम तीन इजाजत अल्लाह वाही।